वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन दो तीन बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है, उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो भी जांच का विषय है, पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप तो सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है, विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो जो यहाँ पर एसी है, जो इंचार्ज होता है, उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया, जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया, हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। एक बता रहे हैं ये सब आरसीडी के हैं कि एनएचए के?
ये आरसीडी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। धर्मकांत? हाँ, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत। धर्मकांत सिर्फ धर्मकांत या धर्मेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता। धर्मकांत और तीसरा है अधीक्षण अभियंता। बोला ये तो सेक्रेटरी तो नहीं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। इनके ऊपर आरोप क्या है तीनों पर जो सस्पेंड किया है? बिना आवंटन के कैसे ठहरने का आदेश दिया और इतनी बड़ी धांधली में, ये हफ्ता भर से ये मामला चल रहा है, विभाग के मंत्री के ऊपर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और ये मौन क्यों था? और इस तरह से कहीं ना कहीं तथ्य को छुपाने का, बरगलाने का और विभाग को बदनाम करने का खेल क्यों खेला गया? हाँ, सिकंदर कुमार उनके नाम से था, अनुराग यादव के नाम से था। इसीलिए कि ये उमेश राय उसका नाम है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। हाँ, तीनों की जिम्मेदारी है। हम पूरी उमेश राय, उमेश राय अभियंता। इनकी लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, तथ्य को छुपाना, विभाग को बरगलाना, ये तमाम विषय को लेकर, और मैंने एक चीज और निर्णय लिया है कि विगत एक वर्ष के अंदर हमारे यहाँ के NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। इस तरह के वातावरण जो बिहार और बिहारी शब्द को कलंकित करता है, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूरी सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देश भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है। निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हमने कहा है कि इस तरह के दबाव डाल करके पद का दुरुपयोग करना, वो BPSC के पदाधिकारी हैं, लोग बता रहे हैं। अब निजी सर, जैसे लेटर नंबर 448 का कहना है कि बिना पत्र के ही, और वो कौन लिखा है उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। एक बार पूछिए तो कि BPSC के पदाधिकारी हूँ। नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए हर घटना से सबक लेकर, हर घटना से सबक लेकर सुधार की प्रवृत्ति बनेगी। मैं खुद जब हमारे संज्ञान में आया, और आप लोग ही मीडिया बंधुओं ने परसों से जब हमसे शुरू किए, तो हमने इंटरेस्ट लेकर के हमने कहा कि इस तरह का खेला, हम तो चुनाव में वो लगे हुए थे, चुनाव के बाद इधर शुरू किए, लेकिन इतना बड़ा खेल और जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ रहने वाले लोगों की इस तरह का कार्रवाई, ये घोर निंदनीय है, और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, सहानुभूति के कतई अधिकारी नहीं हो सकते। आज शाम को हम बैठेंगे अपने अपर मुख्य सचिव के साथ, सब पदाधिकारी के साथ। हाँ, नहीं नहीं, वो सरकार लेगी, क्योंकि वो हमारे विभाग से हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम लोग वहाँ भेजेंगे। निश्चित तौर पर इन लोगों का ये बड़ा खेल है, और ये खेल पहले से कहीं ना कहीं चल रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। इन लोगों को तत्काल आर्थिक अपराध इकाई से लेकर और जो भी जांच की एजेंसी है,
बिहार को कलंकित करने वाले ये राजद से जुड़े मानसिकता के जो लोग हैं, हमने पहले भी कहा था कि राजद के लोग अपराध और भ्रष्टाचार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बढ़ावा देते हैं और बदनाम करने का प्रयास, हम ही को घेरा में लाने का प्रयास किया है। मैंने जो खुलासा किया है, जो तथ्य पर वो जवाब दिया, इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए मैं भेज रहा हूं। अब ये बदला नहीं जाएगा, ये कौल जो है, ये सारे कौल और तथ्य। एक ये है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी आप नहीं हैं। अब तो सारा प्रमाण है, जिन लोगों को कॉपी करवा देते हैं, फोटो ऐसा करें, मैं एक व्हाट्सएप पर, अरे एक व्हाट्सएप पर लेके सबको भेज देगा। अरे कुछ नहीं, हम आइए ना, स्कैन करते हैं 2 सेकंड। हाँ ले लीजिए, सबको भेज दीजिए। अरे पकड़ो ना, हम अपने अपने प्रेस ग्रुप पर डाल देते हैं। और इन दोनों का ये पत्र भी है, हमको दिखा दीजिए। प्रीतम कुमार और सिकंदर का क्या कनेक्शन है? प्रीतम कुमार और सिकंदर, प्रीतम कुमार और सिकंदर आपस में लोग कह रहे हैं कि संबंधी है। Okay, all right. So the Deputy Chief Minister of Bihar, Vijay Kumar Sinha, claiming that Sikandar Yadvendu was arrested in the Neet question paper leak case as a close relative of Pritam Kumar. We took him, take those two names. Pritam Kumar is the personal secretary of the former Deputy Chief Minister and RJD leader Tejaswi Yadav, and all of those serious allegations being leveled by the Deputy Chief Minister of Bihar, Mr. Vijay Kumar. Let me go across to Sharon joining us with more details. Sharon, now he's established the link for us. He says as far as the paper leak in Bihar is concerned, there is a RJD link to it. What documented proof though has he tried to present before the media today? Well, he is in fact telling about the closeness of the people that has in fact been arrested in the alleged paper leak case. Remember, Patna police has in fact registered an FIR in the paper leak that happened during the NEET examination allegedly in Bihar. Accordingly, there were 13 people who have been arrested. And now with the investigation, since then the economic offence wing of the Bihar police has in fact been looking into the investigation, and now they have come to the conclusion is what the Deputy Chief Minister of Bihar is saying, that there seems to be some solid links between these nexus, the people in this nexus, and between the RJD. He specifically has been taking name of Tejaswi Yadav and Lalu Prasad Yadav. Of course, we have to see how the RJD at this point is going to defend this, because the opposition are up in arm against the government regarding the paper leak in NEET or the cancellation of the UGC NET. But now that the finger is pointing towards one of the opposition parties itself, we have to see how the India Alliance is going to defend this in totality, where the RJD leaders' names are now coming in saying that there is some nexus between the paper leak and the people who have been involved, and with the RJD leader Tejaswi Yadav and Lalu Prasad Yadav. But that keeping aside, the opposition parties of course is going to make this a big issue. Today at 3 p.m. Rahul Gandhi is going to do a press conference on NEET examination, likely on NEET examination and UGC NET. After that, around 4 p.m., he is going to meet some of the aspirants of NEET examination, and then tomorrow a nationwide protest is something that is being planned by the Congress party. So at this point, when the opposition parties are using this, we are seeing that the Deputy Chief Minister of Bihar is pointing fingers at RJD. We have to see of course how the opposition parties, what is going to be their reaction to this allegation that is